अब देखो यार, अगर तुम लोग अंडरटेकर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू से पहले अंडरटेकर ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके गए। WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के सेट डिजाइन को लेकर लेटेस्ट पिक्चर सामने आ चुकी गए। लास्ट वीक WWE के शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप रिवील हो चुकी गए। WWE में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न होने को लेकर ऑस्टिन ने काफी बड़ा अपडेट दे दिया है। तो गाइस वहीं WWE में रॉक के रिसेंटली रिटर्न होने के बाद CM Punk ने फाइनली रॉक के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीक स्मैकडाउन की। वेल बात करें अगर यहां पर WWE के स्मैकडाउन की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा 9 फरवरी को जब WWE ने उनका स्मैकडाउन किया था, तो WWE के स्मैकडाउन को करीबन 2.57 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि स्मैकडाउन की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब WWE ने स्मैकडाउन किया और स्मैकडाउन के पर रोमन रेंस और रॉक दोनों ने रिटर्न किया, तो गाइस इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप वैसे तो करीबन 1.2.5 मिलियन है, बट गाइस ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर लास्ट वीक के मुकाबले इस हफ्ते के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप गिर चुकी है, क्योंकि लास्ट वीक स्मैकडाउन को करीबन 2.57 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी और इस हफ्ते स्मैकडाउन को करीबन 2.55 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 20,000 कम है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के स्मैकडाउन के लगातार दो दिनों तक 2.5 मिलियन क्रॉस करने के बाद इस हफ्ते स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अपकमिंग पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर की। वेल बात करें अगर यहां पर एलिमिनेशन चैम्बर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है WWE कंपनी 24 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका एलिमिनेशन चैम्बर पे-पर-व्यू करेगी, और यही इस पे-पर-व्यू के शुरू होने से पहले अब आज यहां पर WWE के काफी सारे बड़े सुपरस्टार ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस पे-पर-व्यू के लिए ऑलरेडी अराइव हो चुके गए। और गाइस यहां पर WWE सुपरस्टार बॉबी लेस्ली, रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच के साथ साथ अंडरटेकर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा गया है। और गाइस जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, यहां पर अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन, बॉबी लेस्ली और ट्रिपल एच ये चारों के चारों यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अराइव हो रहे गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब यहां पर पे-पर-व्यू से पहले अंडरटेकर यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अराइव हो चुके गए, तो कल यहां पर पे-पर-व्यू पर अंडरटेकर की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं, और गाइस WWE के अंदर अंडरटेकर पॉसिबली टीवी के ऊपर उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के सेट डिजाइन की। वेल वैसे तो कल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू को लेकर सेट डिजाइन दिखाया था, बट गाइस अब यहां पर एलिमिनेशन चैंबर के पे-पर-व्यू के सेट डिजाइन को लेकर एक और पिक्चर सामने आ रही है। और जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, WWE के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के लिए WWE कंपनी ने रिंग के आसपास तो काफी तगड़ा सेट डिजाइन लगाया है, बट गाइस यहां पर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के लिए WWE एक बड़ा सेट डिजाइन भी लगा रही है। और गाइस जहां WWE के रॉयल रंबल पे-पर-व्यू के ऊपर WWE ने एंट्रेंस के लिए कोई बड़ा सेट डिजाइन नहीं लगाया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया में WWE के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के लिए WWE यहां पर रॉयल रंबल के मुकाबले एंट्रेंस के लिए बड़ा सेट डिजाइन लगाने वाले गए। और हमें यहां पर डेफिनेटली इस साल एलिमिनेशन चैंबर के ऊपर एंट्रेंस के लिए एक बड़ा स्टेज देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर WWE का ये फाइनल सेट डिजाइन कैसा होता है। बढ़ गए चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में रॉक के रिटर्न होने की। वेल रिसेंटली WWE में रॉक के रिटर्न होने के बाद अब फाइनली WWE में रॉक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल CM Punk ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE में रॉक के रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर CM Punk का ये कहना है कि वैसे तो ऑन स्क्रीन के ऊपर CM Punk और रॉक कभी भी दोस्त नहीं थे, बट गाइस यहां पर डेफिनेटली WWE के अंदर रियल लाइफ में CM Punk रॉक को रिटर्न देखकर काफी हैप्पी गए। और गाइस CM Punk ये बिलीव करते गए कि का WWE कंपनी के ऊपर रिटर्न करना ये यहां पर ओवरऑल रेसलिंग बिजनेस के लिए काफी बढ़िया है। और गाइस यहां पर रियल लाइफ के अंदर रॉक यहां पर CM Punk को काफी पसंद करते गए, और गाइस इसीलिए CM Punk ये देखकर काफी हैप्पी गए कि रॉक यहां पर कंपनी के अंदर वापस आ चुके गए। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर WWE के अंदर जब भी यहां पर CM Punk और रॉक का इंटरेक्शन होगा, तो गाइस CM Punk यहां पर रॉक को रोस्ट करने वाले गए। और बेसिकली यहां पर CM Punk का ये कहना है कि रियल लाइफ में तो वो रॉक के रिटर्न को देखकर काफी खुश है, बट
गाइज ऑन स्क्रीन के ऊपर जब भी रॉक और सीएम पंक आमने सामने होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को मॉक करने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फ्यूचर में WWE के अंदर सीएम पंक और रॉक दोबारा आमने सामने कब आते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न होने की। वल बात करें अगर यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है WWE के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इस समय काफी लंबे टाइम से हमें देखने को नहीं मिले गए और यही लंबे टाइम तक WWE के अंदर से गायब रहने के बाद अब फाइनली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न होने को लेकर ऑस्टिन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर इस बार स्टीव ऑस्टिन का यह कहना है कि लास्ट ईयर WWE के रेसलमेनिया पर स्टीव ऑस्टिन के कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली यहां पर स्टीव ऑस्टिन फ्यूचर में WWE के अंदर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट गाइज अगर यहां पर WWE एक सॉलिड स्टोरी लाइन देती है तभी यहां पर ऑस्टिन WWE के अंदर रिटर्न करेंगे। और गाइज यहां पर स्टोन कोल्ड का यह कहना है कि WWE के अंदर अगर यहां पर फ्यूचर में रेसलमेनिया के ऊपर ऑस्टिन को एक बढ़िया मैच दिया जाता है तो वो यहां पर डेफिनेटली एक बार और रेसलमेनिया पर कंपीट करना चाहेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न कब होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।